हैदराबाद पुलिस ने गाय चोरों के एक शातिर गैंग को पकड़ने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। ये गैंग एम्बुलेंस से गायों की चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। एम्बुलेंस से गायों की चोरी। तीन दर्जन से ज्यादा गायों को चुराने का खुलासा। बारह चोरों के इंटरस्टेट गैंग का पर्दाफाश। पुलिस के शिकंजे में फंसे ये वो शातिर हैं जिन्हें हैदराबाद पुलिस ने एम्बुलेंस से गायों को चुराने के सनसनीखेज मामले में गिरफ्तार किया है। पकड़े गए गैंग के सरगना मोहम्मद अयूब और उसके साथी बाबा से 7.5 लाख रुपए कैश, एक गाय, एम्बुलेंस और गायों को पकड़ने वाले रस्से भी बरामद किए गए हैं। आरोपी बेहद शातिर तरीके से गायों को चुरा रहे थे। पुलिस के मुताबिक आरोपी शहर में अपनी एम्बुलेंस लेकर घूमते थे। अलग अलग इलाकों में फैले इनके लोग इन्हें किसी अकेली गाय के देखते ही खबर देते थे। सूचना मिलते ही अयूब और उसके साथी एम्बुलेंस लेकर बताई जगह पर पहुंच जाते और फिर गायों को एम्बुलेंस में डालकर फरार हो जाते थे। पुलिस ने अलग अलग इलाकों में से एम्बुलेंस के घूमने की सीसीटीवी तस्वीर भी जारी की है, जिससे पता चल गया है कि गैंग कितने शातिर तरीके से गायों को शहर के अलग अलग इलाकों से मौका मिलते ही चुरा रहा था। ऑलमोस्ट 3-4 months वर्कआउट डन बाय चिलकलगुड़ा क्राइम पार्टी अंडर लीडरशिप ऑफ इंस्पेक्टर आल्सो रुद्र भास्कर, वी कंग्रेचुलेट देम एंड एसीपी हु हैज लेड द एंटायर टीम फॉर अ गुड डिटेक्शन इन द केसेस। पुलिस को अब तक हैदराबाद के 17 इलाकों से ऐसी 38 चोरियों का पता चला है। आरोपियों का एक साथी सद्दाम अभी फरार है। पुलिस उन 10 लोगों को भी ढूंढ रही है जो कुछ पैसों के बदले में आरोपियों को गायों की खबर देते थे। आरोपियों ने गाय चुराने के लिए ये एम्बुलेंस कबाड़ी बाजार से खरीदी थी। इसे चलाने लायक बनाया गया और उस पर एक हॉस्पिटल का स्टिकर चिपका दिया गया। इस तरह आरोपी लोगों की आंखों में धूल झोंकने और पुलिस को गुमराह करने का काम कर रहे थे। शक है कि आरोपी चोरी की गायों को दूसरे राज्यों में बेच रहे थे। अब इस मामले की भी जांच चल रही है। मोहम्मद मुबीन, इंडिया टीवी, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश।